राम नाम भजियो नहीं, कियो न हरि संग है। अब पछताया क्या थारो चिड़िया चुग गई थे। वो निराकार निर्विकार परमेश्वर देह कभी ना धरे, बिन पांव चले बिन कान सुने बिन हाथ करोड़ा वो काम करे। हाकम तू सारी दुनिया का, तेरा हुक्म कभी टारा न टरे। जो दीन बंधु तेरी आस करे, पल भर में वो बहु सिंधु तिरे। सुख निदान फूल बगियन का तू ही माली है, और लीला उसकी अजब निराली है। भगवान की लीला का कोई पार नहीं। वो भजन मारे पिताजी ने लिखियो है, बहुत ही पुराना भजन है। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, गोरख धंधा गोरख धंधा हो, गोरख धंधा गोरख धंधा गोरख धंधा दे। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। तुलसी मेरा दास कबीरा, तुलसी मेरा दास कबीरा। हेलो मुकेश जी, अंकल इनको देखकर मुझे याद आ गया, बाबू जी के इतने भक्त हैं। जब बाबू जी का स्वर्गवास हुआ था, इनका उनसे 2 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, ब्रेन हेमरेज था। बाबू जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर कोमा में चले गए थे, या मणिदारी हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनको होश नहीं आया, कम से कम 15 दिन बाद में इनको होश आया। तो इनके एक ही दिमाग में बाबूजी बाबूजी बाबूजी। इन्होंने उस डॉक्टर को कहा कि अगर मुझे जिंदा रखना है तो हॉस्पिटल में चारों तरफ मेरे बाबूजी की फोटो लगा दे, तो मैं जिंदा बचाऊंगा, और एक बार मुझे गजू भैया से मिला दो। मैं इनको नहीं जानता था, क्यों मैं पहले मिला हुआ नहीं था। इनकी पत्नी का मेरे पास फोन आया था कि भैया वो है न, वो सीरियस है न, वो आपको याद कर रहे हैं। तो मैं आधे घंटे में हॉस्पिटल गया था। रियल बात है, पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ बाबूजी की ही फोटो लगी हुई थी। बाबूजी के बहुत बड़े शिष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी मेरा दास कबीरा, ये जग के अनमोल हीरा, इनकी भक्ति चमक रही है हो। इनकी भक्ति चमक रही जू तारा में चंदा रे। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, गोरख धंधा गोरख धंधा हो। गोरख धंधा गोरख धंधा गोरख धंधा रा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा।
श्रवण की शोभा है न्यारी। और मुझे बात याद आ गई, मैं इस मंच से कहना चाह रहा हूं सभी को कि अगर मेरे मन में सोची हुई अगर बात होगी तो अंकल 5 साल के अंदर अंदर बाबूजी का मैं इतना विशालतम मंदिर बनवाऊंगा जोधपुर में कि अभी तक जोधपुर की धन्याधरा पर ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा। मेरी काफी कोशिशें चल रही है, चाहे जोधपुर की रोडों का नामकरण हो बाबूजी के नाम से, चाहे मेरा मेरे गवर्नमेंट में फाइलें लगाई हुई है कि मुझे कोई जोधपुर का चौराया मिल जाए, मैं पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, चौराहे का खर्चा, मूर्ति का खर्चा, क्यों इतने तो बाबूजी के भक्त बैठे हैं, मुझे बोलने की जरूरत भी। मेरी जो सोची हुई अगर बात हो गई तो 5 साल के अंदर अंदर बहुत विशाल मंदिर बनाऊंगा। और मैं धन्यवाद हूँ हनुमान जी विष्णु को जो कम से कम 15-20 दिन में ही बादवे की आटम को 21 तारीख को बाबूजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। श्रवण की शोभा है न्यारी, वो माता पिता का आज्ञाकारी, वो माता पिता का आज्ञाकारी, तीरथ चारों धाम कराए हो, तीरथ चारों धाम कराए दे अपना कंधा रे, मैं क्या जानू राम तेरा तीरथ कंधा, मैं क्या जानू राम तेरा तीरथ कंधा, गोरख कंधा गोरख कंधा हो, गोरख कंधा गोरख कंधा गोरख कंधा, मैं क्या जानू राम तेरा तीरथ कंधा, मैं क्या जानू राम तेरा तीरथ कंधा।